Hello students, now we are going to start exercise 9.3. Question number 1. How many line segments are there in the following figure? Name all of them. हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमें फिगर गिवन है इसके अंदर हमें बताना है कि लाइन सेगमेंट कितनी है और उनके नेम लिखने हैं. देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, हमें आपको लाइन के बारे में पता है, हमने पिछले एक्सरसाइज जब करी थी इसकी तो हमने लाइन के बारे में पढ़ा था कि लाइन क्या होती है. एंड यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद दिस कि लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, है ना, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. लेकिन जब हम पूरी लाइन का इस जैसे ये कि लाइन देख लेते हैं, इसको हम आगे और भी एक्सटेंड कर सकते हैं. अगर हम इसका कोई पर्टिकुलर हिस्सा देखें, जैसे लाइन पर हमने कोई पॉइंट लगा रखा है और उस पर्टिकुलर पॉइंट वाले हिस्से को अगर हम देखेंगे या लाइन का कोई हिस्सा, वो क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट. जैसे देखो सबसे पहले ये हमें ये पूरी लाइन दिख रही है, इसको अलग अलग ये पॉइंट्स लगाकर इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है. तो हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट को काउंट करना है. देखो एक जो लाइन अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले लाइन का पहला हिस्सा क्या आ रहा है, ये वाला ए बी, ठीक है, फर्स्ट इस लाइन सेगमेंट हो गई ए बी. सेकेंड देखो फिर उसके बाद सेकेंड क्या आ रहा है, बी सी. देन थर्ड सी डी और फोर्थ क्या है, डी ई. ये तो हमने जो छोटे छोटे हिस्से हमें दिख रहे थे वो हमने कर लिया. अब जैसे ये जो पूरी लाइन है, क्या ए सी इसका एक पार्ट नहीं है, है ना, ये ए सी जो हिस्सा है वो भी इसका एक पार्ट है, तो ए सी भी एक लाइन सेगमेंट हुआ. फिर सेकंड पॉइंट से देखो तो बी डी भी एक लाइन सेगमेंट है, देन सी ई भी एक लाइन सेगमेंट है. अभी हमने क्या किया, पहले हमने एक एक पॉइंट वाला लिया था डिस्टेंस, अब हमने दो दो पॉइंट वाला डिस्टेंस लिया है, ठीक है. दो पॉइंट वाला डिस्टेंस लेने के बाद हम तीन पॉइंट वाला डिस्टेंस भी ले सकते हैं. जैसे ए से लेकर डी तक देखें तो ये जो पूरी लाइन है ए ई ए डी इसका क्या हुआ, एक पार्ट हुआ. फिर उसके बाद अगर बी से देखें तो बी ई भी एक पार्ट होगा और तीन तीन वाले डॉट हमने ले लिए. अब ये जो पूरा जो हिस्सा है ये ए से लेकर ई तक, ये भी तो एक लाइन का एक पार्ट ही है. हम अगर इसको चाहें तो इसको लेफ्ट में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट में भी एक्सटेंड कर सकते हैं. तो इस लाइन का जो ये ए और ए से ई वाला जो हिस्सा है वो भी एक पार्ट है. तो टोटल अगर आप इसके लाइन सेगमेंट काउंट करोगे तो वो 10 लाइन सेगमेंट है. कौन कौन से, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, एक एक वाले हो गए ये. अब दो दो वाले देखते हैं, ए सी, बी डी एंड सी ई, ये दो दो वाले हो गए. फिर तीन तीन वाले देखेंगे तो ए डी एंड बी ई, और एक ये जो पूरा लंबा हिस्सा है फोर वाला वो है ए ई. तो टोटल इसके अंदर जिस 10 लाइन सेगमेंट्स हैं. अब जैसे ये सेकंड वाला डायग्राम देखो, इसके अंदर हमें कितने लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं, दो लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं. कौन कौन से, एक तो है ए बी और दूसरा है बी सी, ठीक है. अब ये जो थर्ड डायग्राम है इसके अंदर तो बहुत सारे लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं. जैसे अगर सबसे पहले हम देख लें, इधर ये वाली साइड हो गई ए बी, फिर बी सी, देन सी डी, उसके बाद डी ए, है ना, ये चार हिस्से ये हो गए. उसके अलावा बाद में अगर ये वाली लाइन देखोगे तो वो भी एक लाइन सेगमेंट है. तो ए ई, फिर इसके साथ वाली इधर ये सी ई, देन बी ई एंड बी डी. तो इस तरह से अगर आप टोटल इसके अंदर काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4, है ना, बाहर बाल वाले 4 हो गए, फिर 5 6 7 8, और फिर ये बड़ा जो लाइन है ए से सी वाला वो भी एक लाइन सेगमेंट है. तो ए सी एंड बी डी, तो टोटल इसके अंदर भी 10 लाइन सेगमेंट है. देन नेक्स्ट अगर ये देखोगे तो इसके अंदर देखो ए बी 1, फिर 2 हो गया बी सी, 3 हो गया सी डी, 4 हो गया डी ई, 5 हो गया ई एफ और 6 हो गया एफ ई. तो ये इसके अंदर टोटल 6 सेगमेंट्स आ जाएंगे. फिर इसके बाद ये लास्ट जो फिगर हमें गिवन है इसके अंदर देखो, तो इसके अंदर भी लाइन सेगमेंट अगर आप देखोगे तो ए से हम स्टार्ट करते हैं. जैसे पहला हो गया ए बी, दूसरा हो जाएगा बी सी, तीसरा हो जाएगा सी ए. ये अंदर वाला ट्राइंगल हमने ले लिया, अब ये वाला ट्राइंगल देखते हैं. तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा, डी ई, ई एफ और एफ डी. तो टोटल इसके अंदर भी कितने लाइन सेगमेंट्स हो रहे हैं, 6 लाइन सेगमेंट. अब इसके अंदर जैसे ये जो लाइन है हम इसको नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते इतने छोटे हिस्सों को, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेमिंग
नहीं करी गई है। अगर यहाँ इस पॉइंट का कोई नेम होता तो हम इसको भी एक लाइन सेगमेंट काउंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ कोई नेम नहीं लिखा हुआ है, मतलब इस पर कोई पॉइंट नहीं बताया हुआ है, इसीलिए हम इस छोटे वाले हिस्से को काउंट नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन को आपको लिखना कैसे है कॉपी में, सबसे पहले क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद जैसे फर्स्ट नंबर डाल के ये डायग्राम ड्रॉ करोगे इस लाइन का, और फिर हमें इसका आंसर लिखना है। जैसे फर्स्ट वाले का आंसर है 10 लाइन सेगमेंट, फिर इसके जो सेगमेंट्स है उसका नाम हमने लिखा है, उसी तरह फिर क्या करोगे सेकंड वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे, देन उसका आंसर लिखोगे 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड बी सी। फिर थर्ड वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसमें लिखेंगे 10 लाइन सेगमेंट, और फिर ये सारे नेमिंग कर देंगे। इसी तरह से आपको इस ये वाला क्वेश्चन कॉपी में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ। हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ हमें गिवन है। द वेरी फर्स्ट जो हमें गिवन है वो है 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें कोई भी अगर लेंथ गिवन होती है और उसकी हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है तो उसके दो तरीके होते हैं, एक तो हम स्केल की हेल्प से ड्रॉ करें और दूसरा हम कंपास की हेल्प से ड्रॉ करें। तो यहाँ मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊँगी कि हमें उसे कैसे ड्रॉ करना है, और आप उसको फिर आपकी कॉपी में सेल्फ ड्रॉ करोगे। देखो सबसे पहला जैसे हमें गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो स्केल लेंगे, इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट 0, यहाँ से इसका पॉइंट 0 आ रहा है स्टार्टिंग से इस जगह पर। तो अब हमें कितना करना है, देखो 4.5, ये है 4 और ये है 5, 4 और 5 के बीच में ही 0.5 आएगा, यहाँ पर बीच में 10 डिवीजन है, 4 और 5 के बीच में 10 डिवीजन है। तो इसका जो ये बीच वाला जो ये लाइन आपको दिख रही है, इस तरह से जो लंबी लाइन आपको दिख रही है, ये है 4.5। ठीक है, जैसे अगर इसको 4, ये जो पॉइंट्स अगर आप ये जो लाइंस हैं उसको काउंट भी करोगे तो ये वाली होगी 4.1, ये 4.2, ये 4.3, ये 4.4 और ये वाली है 4.5। तो यहाँ से हमने जो स्टार्टिंग में 0 वाला पॉइंट लगाया था उससे हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो लाइन है इसकी लेंथ हो गई 4.5 सेंटीमीटर, और हम चाहें तो इसको कोई नेम भी दे सकते हैं, जैसे मान लो हम इसको नेम दे देते हैं ए बी। ओके, तो इस तरह से स्केल की हेल्प से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है कंपास की हेल्प से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने का, वो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो हम वैसे ही करके देखेंगे। यहाँ पर हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर का। तो देखो जब हम कंपास की हेल्प से ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, बिना मेजरमेंट के ऐसे ही कोई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जैसे हमने एक बिना मेजरमेंट के ये ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, ठीक है, कंपास को ओपन करेंगे, ये जैसे ही हमारा स्केल है इसके ऊपर हम ये जो कंपास का जो पॉइंट वाला नीडल वाला जो हिस्सा है उसको हम ज़ीरो पर प्लेस करेंगे। ये जैसे ज़ीरो पर प्लेस कर दिया, और जैसे हमें लाइन कितने की करनी है, 7 सेंटीमीटर की, तो हम इसके जो पेंसिल वाला पॉइंट है उसको 7 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे इस तरह से, है ना। ये दिख रहा है, देखो यहाँ ये 0 पर है और यहाँ ये 7 पर है, इस तरह से हमने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम इसको ऐसे ही इतना ही ओपन रखेंगे और इस लाइन पर एक पॉइंट फिक्स कर लेंगे। जैसे मान लो हमने ये वाला पॉइंट फिक्स किया, तो यहाँ से हम इसको सेंटर रखते हुए बिना हिलाते हुए इस लाइन के ऊपर एक आर्क कट करेंगे। ये जो इस स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक का ये जो आर्क कट करी हमने, इसका जो डिस्टेंस है वो है 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे इसको हम नेम दे देंगे, ये वाला ए पॉइंट हो गया और ये वाला हो गया बी पॉइंट। तो ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ओके, ए से लेकर बी तक। तो दोनों ही तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो तरीका कन्वीनियंट लगे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट हमें दिया है 8.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है, तो ऐसे स्केल रखेंगे। अब देखो ये 8 है, ये 9 है, इसके बीच में 10 डिवीजन है, तो फर्स्ट वाला डिवीजन क्या हो जाएगा 8.1, सेकेंड वाला डिवीजन हो जाएगा 8.2, और थर्ड वाला जो डिवीजन है वो होगा 8.3 जो कि यहाँ पर आ रहा है। तो हम यहाँ से इस तरह से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ज़ीरो तक। तो ये हमारी, इसको भी नेम दे देते हैं ए बी, यहाँ पॉइंट बना देंगे। तो ये इस लाइन
लाइन की लेंथ कितनी हुई 8.3 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो इसका फोर्थ पार्ट है वो आप सेल्फ ड्रॉ करोगे, 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, स्केल की हेल्प से भी और कंपास की हेल्प से भी, जो आपको कन्वीनियंट लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर मेजर द फॉलोइंग सेगमेंट। यहाँ पर हमें डिवाइडर की हेल्प से ये जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी हुई है उसको मेजर करना है। देखो डिवाइडर कैसा होता है, डिवाइडर ऐसा होता है जिसके दोनों तरफ इस तरह से नीडल होती है और जिसके एक तरफ हम पेंसिल लगाते हैं वो होता है कंपास। तो यहाँ पर हम डिवाइडर की हेल्प से इसको मेजर करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है ना, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसके ऊपर नीडल का फर्स्ट पॉइंट रखेंगे इस तरह से, और इसको कितना एक्सटेंड करेंगे, इसको ओपन करेंगे इस सेकंड जहाँ पर ये बी पॉइंट पर ये लाइन सेगमेंट ख़त्म हो रही है वहाँ तक इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने अब इसको ओपन कर लिया। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही ओपन रहने देंगे और स्केल लेंगे। अब स्केल में देखो क्या करेंगे, हमने इसको एज इट इज़ ओपन रखा हुआ है तो यहाँ पर ये जो इसका फर्स्ट वाला पॉइंट था नीडल का उसको तो रिप्लेस करेंगे ज़ीरो पर, और सेकंड वाले पॉइंट को इस तरह से ज़ीरो से आगे एक्सटेंड करते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर देखोगे आप तो ये कहाँ आ रहा है, ये थ्री से फोर के बीच में आ रहा है और ये जो बीच वाला मार्क है वहाँ पर आ रहा है। इट मीन्स ये जो ए बी फर्स्ट वाली हमें लाइन सेगमेंट गिवन है इसकी लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। इसको आपको कॉपी में करना है, आप ड्रॉ करोगे उसके बाद फिर इसको लिखोगे, एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके आपको ड्रॉ करना है। अब वैसे ही देखो इसका सेकंड वाला देखते हैं, डिवाइडर लेंगे सी पॉइंट पर प्लेस करेंगे और फिर इसको डी पॉइंट तक ऐसे ओपन कर लेंगे, ये रहा डी पॉइंट, इस तरह से ऐसे ओपन कर लिया। फिर इसको यहाँ से हटा के स्केल पे मेजर करेंगे, एक पॉइंट का रखेंगे इसका ज़ीरो पर और दूसरा पॉइंट इस तरह से, तो ये भी हमारा कितना आ रहा है 3 सेंटीमीटर ही आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम इसको लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर। सेकंड वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ है 3 सेंटीमीटर। अब थर्ड वाला मेजर करते हैं, पहला ओपन करके कहाँ तक लेंगे इसको, पी पॉइंट तक, और ओपन कहाँ तक कर रहे हैं हम इसको, क्यू पॉइंट तक। तो इस तरह से हमने इसको ओपन कर लिया, देखो दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर, हमारे जो इसके नीडल के जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट के पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट आ रहे हैं। मेजर करेंगे अब इसको स्केल की हेल्प से, देखो ये तो रख दिया हमने ज़ीरो पर और इस तरह से इसको आगे ओपन करेंगे तो ये कितना बता रहा है 4 तक, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इस थर्ड वाले की लाइन लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये जो फोर्थ वाला पार्ट है ये आप सेल्फ करोगे इसका, ओके, इसी तरह से करना है और ध्यान से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग सेगमेंट इफ ए बी इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर हमें दो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ गिवन है 6.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, और हमें अब एक ऐसी लाइन सेगमेंट बनानी है जो कि किसके इक्वल है, ए बी प्लस सी डी, मतलब ए बी और सी डी दोनों को अगर ऐड करके हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी लेंथ के बराबर होनी चाहिए। अब इसको ड्रॉ करने का देखो क्या तरीका है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक रैंडम ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसका नेम हम दे देंगे एल। ठीक है, एक ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दी यहाँ पर और इसको हमने क्या दे दिया, इस लाइन का नेम दे दिया एल, ओके, स्मॉल एल। अब देखो हमें क्या ड्रॉ करना है, ए बी प्लस सी डी, तो हमें क्या चाहिए, ए बी की लेंथ, ए बी कितना है 6.5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको डायरेक्ट स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम इसको कंपास की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। कंपास की हेल्प से जैसे ड्रॉ करेंगे तो ए बी वाला पार्ट कितना है 6.5, तो 6.5 ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ज़ीरो पर नीडल प्लेस करेंगे और कंपास को 6.5 सेंटीमीटर लेंथ तक ओपन कर देंगे, तो ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर तक ओपन, है ना, ज़ीरो से 6.5। अब इसको इस पॉइंट पर रखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर और 6.5 सेंटीमीटर की एक आग काट देंगे, तो ये जो हमारी लाइन थी, जैसे इसको हम मान लेते हैं पी पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट को पी मान लेते हैं, इस वाली पॉइंट को मान लेते हैं क्यू, तो पी क्यू की हमारी जो लेंथ थी वो कितनी हो गई 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब आगे देखो क्या ड्रॉ, बी ए बी तो हमने कर लिया, अब हमें नेक्स्ट क्या करना था, सी डी, सी डी की लेंथ कितनी है 2.5, तो कंपास पे से, कंपास की हेल्प से 2.5 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। ये हमने 2.5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, देखो एग्जैक्ट है ना 2.5। अब ये जो हमारे क्यू वाला पॉइंट था इसके ऊपर नीडल रखेंगे और एक पॉइंट लाइन के ऊपर एक आर्क कट कर लेंगे। ये आर्क कट कर दी हमने, ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं जैसे आर। इसकी लेंथ कितनी है, क्यू से आर की लेंथ जो है कितनी थी, सी डी के बराबर, जो कि है 2.5 सेंटीमीटर। तो अभी ये जो हमने हमारी जो लाइन सेगमेंट हमें मिली है पी आर, तो पी आर की लेंथ कितनी है, पी आर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पी आर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी, है ना, ये ए बी और सी डी के बराबर ही, हमने पहले ए बी ड्रॉ करी है उसके बाद क्या सी डी ड्रॉ करी है। ओके, तो देखो अब इसका सेकंड पार्ट ड्रॉ करेंगे ऐसे ही। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, ए बी माइनस सी डी। ए बी हमें कितना गिवन है 6.5 और सी डी हमें उसमें से माइनस करना है, मतलब हमें उसमें से 2.5 माइनस करना है। तो यहाँ पर पहले हमें दोनों का प्लस लिखा हुआ था, अब हमें माइनस लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, एल लाइन सेगमेंट, जिसकी लेंथ कितनी होगी ए बी के बराबर। ए बी कितना है 6.5 सेंटीमीटर। कंपास की हेल्प से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट स्केल से भी कर सकते हैं, तो मैं अभी एक बार डायरेक्ट स्केल से कर रही हूँ। जैसे 6.5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी और इसका नाम क्या है ए बी, इसकी लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से सी डी को माइनस करना है, मत सी डी की लेंथ कितनी है 2.5, तो अब हम क्या करेंगे, कंपास पर 2.5 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। जैसे ही हमने कंपास पर 2.5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। अब इस बी पॉइंट पर नीडल को प्लेस करते हुए इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक आर्क कट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट मिला है हमें, इस पॉइंट को मान लो हम नाम दे देते हैं पी, जैसे पी नाम ने अगर हमने इसको दे दिया है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसके अंदर डिडक्ट हो गया, मतलब ए बी में से हमने जो ये सी डी वाला हिस्सा है उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या, ये वाला पार्ट। तो देखो ये जो पूरी लाइन सेगमेंट थी इसकी लेंथ कितनी थी, यहाँ से लेके अगर हम पूरा देखें तो ये थी 6.5 सेंटीमीटर, और ये वाला जो हिस्सा हमने इसमें से माइनस किया है वो कितना है 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारी ये जो रिक्वायर्ड लेंथ बची है जो कि ए पी, ए पी किसके बराबर हुई, ए पी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस सी डी। जब ए बी में से हम सी डी को माइनस कर देंगे, ये वाला हिस्सा क्या था सी डी, अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ये जो ए पी वाली लाइन सेगमेंट बची है ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है वो हमें गिवन है 2AB, मतलब हमारी AB की लेंथ कितनी है 6.5, हमें इसका दो गुना, इसका टू मतलब AB का दो गुना 6.5 प्लस 6.5 इतना ड्रॉ करना है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे ऐसे ही रैंडम, एक लाइन सेगमेंट जिसको नेम दे देंगे हम, ये एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दी और इसको हमने नेम दे दिया एल। अब हम कंपास को, हमें ए बी का ड्रॉ करना है, 2AB ड्रॉ करना है, इसलिए ए बी की जो लेंथ थी 6.5 मीटर उतना कंपास को ओपन कर देंगे। ये 6.5 सेंटीमीटर हमने इसको इस तरह से ओपन कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, ये लाइन सेगमेंट जहाँ से स्टार्ट हो रही थी उस पर इस कंपास की नीडल को ऐसे रखेंगे और एक आर्क कट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई ए बी। अब हमें ड्रॉ क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है 2AB। तो हम अब ये जो सेकंड वाला जो ये आर्क हमने कट किया है इसके ऊपर नीडल प्लेस करते हुए इस एल लाइन के ऊपर एक और आर्क कट करेंगे। तो अब ये जो हमारा सेकंड वाला जो पॉइंट आया है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको हम नेम दे देते हैं इसको पी और इसको क्यू। तो ये हमारा जो पी क्यू लाइन सेगमेंट आया है वो है इक्वल्स टू 2AB। तो हम यहाँ लिख लेंगे पी क्यू इज इक्वल्स टू 2AB।
है ना, ये फर्स्ट ए बी के बराबर हुआ था, इसका दो गुना हमने किया, दो बार ड्रॉ किया तो ये हो गया 2AB। इसी तरह से इसका जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर हमें गिवन है 3CD, तो उसके लिए क्या करोगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, CD का जो मेजरमेंट है उतना कंपास को ओपन करके लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट फिक्स करके उसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इस तरह से कट कर लोगे। जो थर्ड वाला पॉइंट होगा वो है हमारा रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट, ओके। वो आपको जो फोर्थ पार्ट है वो आपको सेल्फ करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आर योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट सच सेगमेंट्स हुज लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ द गिवन सेगमेंट्स ए बी एंड ए सी इन द फिगर। हमें एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी लेंथ किसके इक्वल होनी चाहिए, ए बी और ए सी के बराबर। मतलब ये जो फिगर हमें दिख रहा है इसकी ए बी वाली साइड और ए सी वाली साइड को अगर हम प्लस कर दें तो उतनी हमारी लाइन सेगमेंट की लेंथ होनी चाहिए। तो देखो, इसको ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे हमने ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है, इसको नेम दे दिया एल लेंथ। ये फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर यहीं से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से हमें क्या करना है, ए बी प्लस ए सी, तो ए बी जितनी लेंथ में इसको ओपन कर देंगे, जैसे ये हो गया ए बी, ठीक है। इस तरह से इसको इसके दोनों पॉइंट्स पर हमने मेजर कर लिया। अब इसी को सेम ओपन रखते हुए फर्स्ट एंड के ऊपर ये पॉइंट रखेंगे और इस लाइन सेगमेंट की लाइन के ऊपर एक सेगमेंट कट कर लेंगे। तो ये किसके बराबर हो गया, ए और बी के बराबर। फिर हमें क्या चाहिए, ए सी, तो वापस हम क्या करेंगे, इसको ए के ऊपर प्लेस करेंगे और सी जितना ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब वापस ये वाला जो बी पॉइंट था हमारा, इसके ऊपर इसको प्लेस करके इसी लाइन के ऊपर एक और आर्क कट करेंगे, ये हो गया हमारा पॉइंट सी। तो ये जो हमने ए से सी जो कंस्ट्रक्ट किया है वो किसके इक्वल है, ए बी प्लस ए सी के, ओके। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ये जो ए सी लाइन आई है हमारी वो किसके बराबर है, इस फिगर के अंदर जो ए बी है और जो ए सी है उसके बराबर हमारी ये लाइन सेगमेंट है, ओके। नेक्स्ट इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी आप सेल्फ करोगे। जो फिगर गिवन है उसके अंदर ए बी और ए सी इस तरह से मार्क करके और ड्रॉ कर लोगे।